स्वामी, कहने को हम अब लाए हैं, पर हम में भी अद्भुत बल है। हम कराल से भी कराल हैं और कोमल से भी कोमल हैं। सुख दुख तो सम्मानकारी हो जाता समय समय पर है। जब समय बदल जाता है तो जंगल महल बराबर है। मोटे मोटे गद्दों पर भी अनुदान चिन्ह होते देखा। अब पड़ा समय तो उनको भी कांटों पर सोते देखा। और जब दर्शन सुखमय का हो तो कानन संकटमय कैसा। सिंहनी सिंह के साथ में हो तो उसको डर और भय कैसा। प्रिय, यह बात तो ठीक है, पर तुम्हारे चलने में एक और विचार है। वह कौन सा विचार है स्वामी? प्रिय, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, माता की आज्ञा में बंधा हूं। माने जानकी को साथ ले जाने के लिए नहीं कहा है। यदि ले चलता हूँ साथ तुझे तो बात आम की जाती है। माँ कहेगी वनवास ही क्या जब साथ जान की जाती है। प्राणनाथ, यह बात तो ठीक है, पर मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि माता जी ने मुझे आदेश दिया है कि यदि वे योगी है तो तुम योगिन हो, यदि वे वनवासी है तो तुम भी वनवासी हो। इसलिए स्वामी, आप उनकी आज्ञा पालेंगे, मैं भी उनकी आज्ञा पालूंगी। और आप अपना धर्म निभाएंगे तो मैं भी अपना धर्म निभाऊंगी। प्राणनाथ, यह दासी अर्धांगिनी है, इसकी जीवन डोर आपके हाथ में है। हे पुत्र, सीता तुम्हारी अर्धांगिनी है और तुम्हारे बिना वे जीवित नहीं रह सकती है। इसलिए इसको साथ ले जाओ और अधिक ना रुलाओ। जो आज्ञा माता जी, आपकी आज्ञा जो आज है। चलो प्रिय, छोटी माँ से भी आज्ञा ले लें। माता जी अब आज्ञा दीजिए। जाओ बेटा, यह मेरा आशीर्वाद सदा।